एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। और अभी हो रखा है मॉर्निंग का टाइम। आज का ब्लॉग जो है हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ब्लॉग का मैंने अभी एंड किया है और बने रहिएगा, फुल जरूर करके जाइएगा। जो फ्रेंड्स नए होंगे मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना सके उतना शेयर कर दिया कीजिए। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और चलिए, आज बहुत खाना बनाना है तो सारी जो है प्रिपरेशन है हम जो कर लेते हैं। अभी जो है मैं जस्ट ये सब पोछ वोछ के उठी हूँ, पूरा स्लैब गैस, क्योंकि हम लोग बासी चूल्हा पे खाना नहीं बनाते हैं और रात को ही मैं कर लेती हूँ। कभी कभी जो है मिस हो जाता है। पीछे बर्तन धुले पड़े हैं उसे स्टैंड में लगाऊंगी और जो बर्तन पड़े हुए हैं उसे धुलूंगी, फिल्टर में पानी नहीं है वो डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम, कैसे बोलते हैं सब, चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ जो है मैं अब जो है खाने का प्रिपरेशन करूँगी। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको कहा था ना मुझे ढेर सारा खाना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जो है आज लंच और डिनर दोनों लेके जाएंगे और ब्रेकफास्ट तो बनाना ही पड़ता है और लगे हाथ में ना रोज़ सुबह अपना गर्म पानी ये सब लेने के बाद तो फ्रूट ज़रूर खाती हूँ। तो अभी जो है घर में गाजर ही पड़े हुए हैं और अभी इस सीजन में ना गाजर अच्छे आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस दो गाजर खाऊंगी और उसके बाद जो है सारा प्रिपरेशन करूंगी। पहले तो मैं मटर जो है छील लूँगी। जा रही हूँ मम्मी को, बाहर बैठूंगी मटर लेके और मैं और मम्मी मटर जो है मटर के दाने निकालेंगे, उसके बाद जो है सारा खाना बनाएंगे। ऐसे कई टाइम होते हैं जो आप समय निकाल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, सास हैं तो सासू माँ के साथ, हस्बैंड के साथ, जैसे आप काम भी कर रहे हैं और आपस में बैठ के बात भी कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में उसे अच्छी तरह से रखने का। और अभी की लाइफ में जैसा हो गया है ना, सब बहुत बिजी हैं और बूढ़े लोगों को टाइम नहीं देते हैं, तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहती। और मैं आप लोग को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका माँ हो, पापा हो, सासू माँ हो, ससुर जी हो, उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि इस एज में ही जो है आदमी जो है सबका साथ चाहते हैं। और अभी तो ऐसे ऐसे फैमिली है जो बूढ़े को जो है ओल्ड ये में रख देते हैं, मतलब धर्मशाला, धर्मशाला बोले नहीं,
जहाँ जो धर्म क्या बोलते हैं, जहाँ ओल्ड एज के आदमी को जो डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई देखने वाला नहीं रहता, केयर करने वाला नहीं रहता, तो वो जो है अपने माँ बाप को जाके मैं डाल देते हैं। तो यहाँ अभिनव जो है खाना खा रहे हैं, बन गया है खाना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो क्या बनाई हूँ आज। और एंजल का चल रहा है क्लास। पूरा खाना बन चुका है, तो मैं जो है पहले कपड़े को सर्फ के पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद जो है क्लीनिंग करूँगी। तो लगे हाथ जो है ये भी घुल जाएंगे, तो आके धो लूँगी। और खाना मेरा पूरा कंप्लीट है, बस क्लीनिंग करने के बाद और कपड़े धोने के बाद या पहले ही मैं टिफ़िन निकाल लूँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ और क्या बोलते हैं क्लीनिंग और सारा काम जो है ना आप अरेंज करके अगर ढंग से करोगे तो कोई खास नहीं है, घर का काम हो ही जाता है। हाँ, मगर सारा काम अगर आप अरेंज करते हो खुद तो थकान तो काफ़ी होती है, और मैं भी थक जाती हूँ, और कभी कभी तो मूड ही ऑफ हो जाता है। पूरा क्लीनिंग वलिंग जो है घर का पूरा काम छोड़ देती हूँ, बस खाना वाना बना के जो है मैं किसी किसी दिन रेस्ट ले लेती हूँ। और ये जो है ना मम्मी जो टमाटर भेजी थी आपने देखा था, तो वो टमाटर कुछ बचे हुए हैं, सारे पक गए हैं, तो मैं ना उसमें टोकरी में निकाल के अब रख दूँगी। और लास्ट ही है ये टमाटर ख़त्म हो गई, मम्मी के जितने ऑर्गेनिक टमाटर और मटर आए थे। तो अगर मम्मी ब्लॉग देख रही है तो थैंक यू सो मच, इतना सारा टमाटर और मटर भेजने के लिए, बहुत अच्छा टमाटर था, चटनी काफ़ी अच्छी लग रही थी इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आई हूँ टिफ़िन निकालने के लिए, क्लीनिंग हो गई है, बस इनका जो है टिफ़िन निकाल दूँगी। तो आज मैंने मटर और आलू का चिकन वाला सब्ज़ी बनाया था, और चावल जो कि ये लंच में खाएंगे, और आलू गोभी की भुंजिया और पूरी अचार, ये सब मैंने इनका डिनर के लिए पैक कर दिया था। तो ये जो है सारा कंप्लीट हो गया है, तो ये जो है यही खाना आज लंच और डिनर में खाएंगे। मैं इसलिए एक पैक करके दे देती हूँ क्योंकि कैंटीन है, मगर कैंटीन का खाना इन्हें जो है अच्छा नहीं लगता, तो मैं जो है पैक करके दे देती हूँ। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो शायद वो डिनर ना लेके जा पाएँ क्योंकि ख़राब हो जाएगी। तो ठंडा था तो उतना दिन मैं दोनों टाइम का खाना जो है पैक करके दे रही थी, मगर अब जो गर्मी आ गई है तो अब जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी इनको कैंटीन का ही खाना जो है खाना पड़ेगा। तो ये देखिए इनका जो खाना है पैक हो गया, लंच और डिनर दोनों। तो देखिए चावल, सब्जी, भुजिया, पूरी, अचार और हरी मिर्च मैंने डाल दी है,
और ये रहा इनका ब्रेकफास्ट, तो मैं इनको दे दे रही हूँ। जब तक मैं कपड़े धोऊंगी तब तक ये खा हुआ के जो है अपना निकल जाएंगे। और ये देखिए मैंने बहुत स्पीड मोड में करके रखा है, क्योंकि ना काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जा रहा था, तो आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से इसे पूरा एकदम इतना स्पीड में कर दी हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारे कपड़े थे, उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मैं आज के ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से अपने ब्लॉग एंड वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए।